हेलो हेलो, वेलकम ऑल। कैसे हो भाई सभी लोग? हाउ आर यू? हेलो अननोन पर्सन, केशु, अदिति, मनोज। ओके, सो वी आर वेटिंग। नेक्स्ट 1 मिनट वेट करते हैं, बच्चे अभी ज्वाइन हो रहे हैं, देन हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके अभिन गोयानी जी, आफ्टर दिस लेक्चर, ये लेक्चर जब एंड होगा तो आप पूछ लेना, फिर आपको बता देंगे हम, ठीक है? ये लेक्चर कंप्लीट होते ही। चलो भाई खटाखट ज्वाइन हो जाओ। अपने फ्रेंड्स को, कॉलेज को, ग्रुप को शेयर जर कर दो, इसको आईडी वगैरह को शेयर करना मत भूलना। हाँ राजी, हो जाएगा बेटा, ये 1 ही घंटे का सेशन है ना, जस्ट 1 घंटे का ये सेशन है। तो चलो बिना टाइम को लॉस के स्टार्ट करते हैं। सो एज ऑल यू नो, दिस इज गौरव श्रीवास्तव, एजुकेटर एट गेट केमिक लर्निंग एप, गेट केमिक इंस्टीट्यूट, 10+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन गेट केमिकल इंजीनियरिंग फील्ड। और आज यहाँ पे आपको पढ़ाने जा रहे हैं पीडी, जो अभी जस्ट हमने थ्योरेटिकल पार्ट्स कवर किया है, इसके हम लोग पीवाईक्यूज का फास्ट ट्रैक रिवीजन करने वाले हैं। ओके, तो एज ऑल यू नो, गौरव श्रीवास्तव आईटीबीएच इज अवेलेबल ओनली एंड ओनली फॉर लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर, सो ओनली एंड ओनली ऑन गेट केमिक लर्निंग एप। इसके अलावा मेरे लेक्चर्स आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, तो फ्रॉड से सावधान। अगर कोई मेरा नाम लेता है तो प्लीज उसे साफ कह देना कि आई एम अवेलेबल ओनली ऑन गेट केमिक लर्निंग एप। इस ऐप पे आपको अदर एजुकेटर्स भी मिलेंगे मेरे अलावा, लेकिन अगर आप केवल मेरे लिए आ रहे हो सो डोंट वरी अबाउट दैट, आप सारे सारे 10 सब्जेक्ट हमसे भी पढ़ोगे, यानी कि एक सब्जेक्ट के एक से ज्यादा फैकल्टीज होंगी, उसमें एक फैकल्टी हम होंगे, ये पत्थर की लकीर है, ठीक है? और अदर रेगुलर फैकल्टी में अभी आपकी एक मैम जो रेगुलर है वो है आपकी शिवांगी मैम, और इसके अलावा और भी बहुत सारी फैकल्टीज आपकी हैं जो आपके पेड में क्लासेस लेती हैं। तो चलो खटाखट हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन 2018 देखो क्या आ रहा है, इसमें कह रहा था एनुअल फिक्स चार्ज एंड एनुअल यूटिलिटीज ऑफ अ डिस्टिलेशन कॉलम आर डिजाइंड इन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रिफ्लक्स रेशियो। ये आपसे कह रहा है एनुअल फिक्स कॉस्ट, और ये कह रहा है आपसे एनुअल यूटिलिटीज कॉस्ट, फिर कह रहा है रिफ्लक्स रेशियो फॉर ऑप्टिमाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ द डिस्टिलेशन कॉलम मे बी फाउंड बाय सॉल्विंग। कह रहा है इसमें से कौन सा सॉल्व करें, तो यार सीधी सी बात है, आपको टोटल कॉस्ट चाहिए, यूनिट टोटल कॉस्ट। और क्या आप में से बता सकते हैं कोई कि टोटल कॉस्ट के लिए क्या करते हो? भाई सीधी सी बात है ना, टोटल कॉस्ट आपको चाहिए तो इन दोनों को ही आप क्या करोगे, एडअप कर दोगे। और पहले इन दोनों को आप मिनिमम, आपको क्या कह रहा है, इन दोनों में कैसे आप सॉल्व करोगे टू ऑप्टिमाइज द टोटल कॉस्ट। तो ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब, हमने आपको बताया था कि टोटल निकाल के उसको डेल बाई उसको डी बाई डी उसके रेस्पेक्ट में आप उसे क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है? आपका काम हो जाएगा। तो भाई यहाँ कैसे करोगे बता सकते हो, ए बी सी डी विच वन इज करेक्ट? क्या आप में से कोई सॉल्व कर सकता है ए बी सी डी विच वन इज करेक्ट? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा डी ए एफ सी बाई डी आर प्लस डी ए यू सी बाई डी आर एंड दैट बिकम्स इक्वल टू जीरो। दोनों को आपने एडअप करें, दोनों को एडअप कर दिया, एड करके भी आप चाहो तो उसको सीधे सीधे टी कर सकते हो। अगर आप यहाँ देखो तो दोनों डी आर डी आर है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो डी ए एफ सी प्लस ए यू सी अपॉन डी आर दैट बिकम्स इक्वल टू जीरो। बस आपको इक्वेशन मिल जाएगा, आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर, ठीक है? हेलो हेलो बच्चा बेटा, यहाँ ध्यान दो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर टू, यहाँ कह रहा था कॉस्ट ऑफ ए न्यू पंप इज 24,000 रुपीज, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट न्यू पंप का क्या है आपका 24,000 रुपीज। अब यहाँ क्या कह रहा है, द पंप हैज यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। इसका यूजफुल लाइफ कितना है बराबर, इसका यूजफुल लाइफ है 10 ईयर्स। कह रहा है सॉल्वेंस वैल्यू 4,000 रुपए, यानी कि इसका वीएस दिया हुआ है कितना 4,000 रुपीज। कह रहा है स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन को अगर हम माने तो इसकी बुक वैल्यू क्या होगी एट द एंड ऑफ 4 ईयर। यार सीधी सी बात है हमसे, यानी कि पूछ रहा है ये वी ए, और वी ए का फॉर्मूला आपको पता है स्ट्रेट लाइन में सिंपल सा होता है वी नॉट माइनस ए डी, ठीक है? तो हमें यहाँ वी नॉट कितना है 24,000। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी, तो भैया टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है, डी की वैल्यू कैसे निकालते हो, टोटल डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना है वी नॉट माइनस वी एस अपॉन एन, तो 24,000 में से 4,000 के आपका ये हो जाएगा 20,000, और 20,000 बटा जब आप यहाँ करोगे 10 तो ये हो जाएगा 2,000, 2,000 रुपये पर ईयर आपका डेप्रिसिएशन हो रहा है। तो सीधी सी बात है 4 साल में आपका डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 2 गुड़े और 4 गुड़े 2,000, ये कितना हो गया 2 जो का 8,000, और ये आपका आ गया 16,000 रुपीज़,
सो 16,000 रुपीज इज द राइट आंसर. बोलो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आसान है ना, देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन आता है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है बेटा. ठीक है, हाँ एक मिनट रुक जाना यार, क्वेश्चन को डाले नहीं थे हम इस पर, वेट 2 मिनट का समय दो, ढेर सारे क्वेश्चन को कॉपी कर देते हैं, जस्ट वेट 2 मिनट का समय लगेगा, तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब तक हम क्वेश्चन को और भी यहाँ कॉपी कर लेंगे. चलो इसे सॉल्व करो, अब 2016 का एक क्वेश्चन है, खटाखट सॉल्व करो, 1 घंटे में बहुत क्वेश्चन लगा लो, इसके क्वेश्चन बहुत आसान आसान होते हैं यार. ठीक है चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, जल्दी से बताओ ए बी सी डी विच वन इज करेक्ट, खटाखट बताएं ए बी सी डी. लेक्चर ये ठीक 1 घंटे का होगा, 1 घंटे के ऊपर हम नहीं जाएंगे. ठीक है तो 1 घंटे में देखते हैं क्या हो सकता है इसमें. इसमें 1 नंबर वाले बहुत छोटे क्वेश्चन है और केवल 18-19 ही क्वेश्चन है, तो ये तो अभी हमारा 15 मिनट में ही हो जाएगा, फिर हम लोग तुरंत 2 नंबर पे जंप कर लेंगे. क्या आया? बेटा आपसे वो पूछा नहीं है ना, आपसे पूछा किस इक्वेशन को सॉल्व करोगे मनोज, तो आपसे केवल चारों ऑप्शन देखो, चारों ऑप्शन केवल आपके इक्वेशंस हैं बेटा, उस इक्वेशन को सॉल्व करके आप प्राप्त कर लोगे आर आउट. तो उसमें से ये कहा है कि किसको सॉल्व करके आप प्राप्त करोगे वह मिनिमम कॉस्ट. ठीक है तो वो कौन सा इक्वेशन से आप सॉल्व करोगे, तो इसलिए हमने केवल और केवल इक्वेशन बना के छोड़ दिया बेटा, समझ रहे हो मनोज? इज इट क्लियर? चलो भाई जल्दी जल्दी बताओ भाई, हो गया सॉल्व? नहीं कर पाया क्या अभी तक? इतना टाइम कौन लगाता है यार? हाँ चलो ये आ गया, तेजस का भी केशु का, देखना बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेशन जो हम अभी आपको करा रहे हैं, और यकीन मानो जितने सेशन हमने अभी लिए हैं आप गेट में बता देना, चाहे वो सीआरई हो गया, चाहे हीट ट्रांसफर हो गया, चाहे आपका ये हो गया पीडी, एक भी क्वेश्चन अगर आप मिस करके आओ तो हमें बताना. ठीक है बहुत आसानी से लगेंगे और आपको फुल कॉन्फिडेंस आएगा इसमें. ठीक है चलो भाई, तो आओ यहाँ तक पहले हम लोग सॉल्व कर लें, उसके बाद फिर से कॉपी कर लिया जाएगा. 10 क्वेश्चन हो गए हैं. तो यहाँ देखो क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है 2 डिजाइन आपके पास है. ठीक है और कह रहा है इनको कंपेयर किया जा रहा है टोटल एनुअल कॉस्ट के आधार पे, तो यानी कि जिसका कॉस्ट ज्यादा होगा वो हमारे लिए बेकार है. तो कह रहा है इसका ऑप्शन पी जो है इंस्टॉलेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ कूलिंग वाटर और कॉस्ट ऑफ स्टीम, ये दोनों ही पर ईयर दिया, देखो ये दोनों पर ईयर दिया है, और इंस्टॉलेशन कॉस्ट आपका टोटल कॉस्ट है. ठीक है ये कह रहा है 12% एनुअल फिक्स चार्जेस 12% ऑफ द इंस्टॉल कॉस्ट, यानी कि इसका जो चार्जेज होगा 1 साल का वो इसका 12%, यानी कि कितना हो गया यार, ये हो जाएगा शायद 18 लाख, एक बार चेक कर लेना, और इसका क्या हो जाएगा 12%, ये हो जाएगा आपका 14.4 लाख. ठीक है अब ये कह रहा है बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन व्हाट इज द टोटल एनुअल कॉस्ट ऑफ द बेटर ऑप्शन, बेटर ऑप्शन जो है उसका टोटल एनुअल कॉस्ट पूछ रहा है. तो भाई दोनों को ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो 18 से 24 और 16 40 हो गया, और 20 8 28 4 32 42.4 हो गया. आप देख सकते हो बेटर ऑप्शन क्या है, टोटल एनुअलाइज्ड कॉस्ट किसका कम है, आपका ऑप्शन ए का एनुअलाइज्ड कॉस्ट कम है. ठीक है रघु 2 क्वेश्चन मिस किया बेटा, 3 हो गया, अभी आपका चौथा है. देखो टर्म्स यूज्ड इन इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स हैव स्टैंडर्ड डेफिनेशंस एंड इंटरप्रिटेशंस, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा इसमें से स्टेटमेंट करेक्ट है. तो इस समय गेट का टाइम है बेटा, तो इस समय का तरीका क्या है, ध्यान रखो हम रॉन्ग स्टेटमेंट रिविजन में नहीं देखते हैं, ना 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 पढ़ना भी नहीं, कोई पढ़ने की कोशिश भी मत करना, एक दिन है ना गेट में, तो रॉन्ग स्टेटमेंट हम पढ़ते ही नहीं है, केवल हमारा राइट स्टेटमेंट पढ़ते हैं. तो क्या है, पे बैक पीरियड इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द पे बैक टाइम फॉर द सम ऑफ द फिक्स्ड एंड द वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट, दैट्स इट, कहानी खत्म. डी इज द राइट आंसर, स्टेटमेंट वाले में रॉन्ग, इस समय रिविजन जो भी कर रहा हो घर पे भी बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे देखना नहीं. ब्लैंक डायमीटर क्या होता है बेटा, ब्लैंक डायमीटर आपको अगर कैलकुलेट करना है तो इसके लिए आपको क्राउन, नकल और लेंथ ऑफ स्ट्रेट फ्लैंज की जरूरत होती है. तो डायरेक्टली आप देख लो, इसका बहुत बड़ा सा एक फॉर्मूला होता है ब्लैंक डायमीटर का, डी प्लस डी बाई 42 प्लस 2 एस एफ प्लस 2/3 आर के प्लस टी एच. तो वो सब फॉर्मूला भी देखने का टाइम आपके पास नहीं है, डायरेक्टली आप यहाँ देख लो कि यह क्राउन रेडियस और नकल और लेंथ ऑफ स्ट्रेंज फ्लैंज पर डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन गेट में रिपीटेड होते हैं, जैसे 2-2 बार 3-3 बार आपका पूछ चुका है कि पॉइंट वेलोसिटी या लोकल वेलोसिटी को किसके द्वारा कैलकुलेट करोगे, पिटॉट ट्यूब जो एफएम का क्वेश्चन है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाते हैं. ये वाला जरा आप हमको बता दो यार,
ये वाला जरा आप हमें बता दो, फटाफट बताओ भाई, ए बी सी डी विच वन इज करेक्ट, जल्दी बताओ बेटा, ए बी सी डी। और जिसने ये सेशन एक घंटे का कर लिया, पीडी का नंबर कोई उससे छीन नहीं सकता, मैं बता रहा हूँ आपसे। ठीक है, इस सेशन में कितने मिनट बचे हुए हैं शेष? लगभग 45 मिनट्स और हैं इस सेशन के, जल्दी बताओ। ए बी सी डी सिलेंड्रिकल है बेटा, तो सिलेंड्रिकल में दोनों में अंतर था ना, और आपका बड़ा क्या था, हुप वाला बड़ा आ रहा था ना, याद है ना, लॉन्गिट्यूडनल वाला छोटा था और हुप वाला स्ट्रेस आपका हमेशा ज्यादा आ रहा था। तो देखो इसमें से हुप वाला ज्यादा कौन है, पहली बात तो ये आर में लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना आप, पहले अपना वो डी वाला याद रखना, आप अपना डी वाला याद रखना, उसके पहले हुप वाला ज्यादा होना चाहिए ना, तो इसमें तो हुप कम है, देखो बटा 40 तो हुप कम हो गया, तो हो ही नहीं सकता। इस वाले में हुप वाला ज्यादा है, ठीक है, हो सकता है, इस वाले में हुप वाला कम है, ये तो हो ही नहीं सकता, इस वाले में हुप वाला ज्यादा ही। अब ए या डी में लफड़ा हो गया, और आपको पता है कि इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, दो गुने का होता है, तो देखो फॉर्मूला भूल भी गया तो डी को और में कन्वर्ट भी नहीं करना है, देख लो यार इन दोनों में दो गुने का फर्क किसमें, इस वाले में, इस वाले में है ना, देख लो यू कैन सी इसमें दो गुने का फर्क क्या है इसमें, देखो कितने आसानी से लगा दिया हमने, फॉर्मूला लिखना ही नहीं यार, क्या जरूरत है फॉर्मूला लिखने की, जरूरत ही नहीं है फॉर्मूला लिख के चेक करने की, जरूरत नहीं, खाली इतना अगर आपको याद है इसका दोगुना होता है, खटाक से देखो आपने लगा लिया, कहानी खत्म हो गई। नेक्स्ट, नकल रेडियस मेनली किसके साथ एसोसिएटेड होता है, ये आपका टॉरस पेरिकल के साथ होता है और एलिप्सॉइडल के साथ भी होता है, लेकिन एलिप्सॉइडल में कौन नकल और क्राउन सेम होता है, तो अगर इसमें एलिप्सॉइडल भी आपको आज के डेट में दे दे एलिप्सॉइडल, तो आप इसे भी कहोगे या इट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ए केमिकल प्लांट इज 10 लाख, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, द एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 2 लाख, द एनुअलाइज्ड कॉस्ट ऑफ द प्लांट इज, कोई बता सकता है इसका जवाब क्या है, ए बी सी डी। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट केमिकल प्लांट का आपको दिया हुआ 10 लाख रुपए, ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है 15, तो ये 15 और एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है 2 लाख रुपए, तो कैसे निकालोगे, हाउ टू कैलकुलेट इट, कोई बता सकता है, ए बी सी डी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, फटाफट बताओ, जल्दी 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 बताओ, विच वन इज करेक्ट, ए बी सी डी, ए बी सी डी फास्ट। सी इज द राइट आंसर, वेरी नाइस, तो आपने कैसे निकाला, आई आर आर है, तो आपने क्या बताया था इसका, ये टोटल फिक्स कॉस्ट है, तो आई आर आर मतलब एक साल में क्या उसका रिटर्न है, तो क्या देखोगे 10 × 15 दैट बिकम्स इक्वल टू 1.5, और 1.5 में क्या करोगे टोटल एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट को जब ऐड कर दोगे, देन यू विल गेट टोटल एनालाइज्ड कॉस्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज 3.5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फॉर द केस ऑफ सिंगल लमसम कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 10 करोड़ व्हिच जनरेट्स अ कांस्टेंट एनुअल कैश फ्लो ऑफ 2 करोड़ पेबैक पीरियड इफ द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द आउटलेट इज 0, कोई दिक्कत नहीं है, इन सबसे मतलब ही नहीं है, 10 स्क्रैप वैल्यू से कोई दिक्कत नहीं होती, तो अगर कोई वैल्यू भी हुई ना तो इज्जत से कहना राधे राधे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 10 और 2, 10 बटा 2 क्या हो जाएगा 5, 5 इज द राइट आंसर। यानी कि ना कि द रिलेशन बिटवीन कैपिटल रेट ऑफ रिटर्न एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड मैक्सिमम क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर इज, तो ये हमने अभी आपको जस्ट बताया था लेक्चर के अंदर, और आपने इसे सॉल्व भी किया था, आफ्टर सॉल्यूशन आपको क्या मिला था, ए वाला आपको मिल गया था, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ए इज द राइट आंसर, ए ही मिला था ना यार दसवें का क्या मिला था, ए मिला था ना आपको, या नेक्स्ट, नेक्स्ट एक मिनट रुक जाओ, नेक्स्ट को उठा के डालने दो जरा, 10 क्वेश्चन हो गए भाई साहब, ये तीनों तो एक ही पेज पे हो जाएगा, तो 11 12 13 तीनों के जवाब खटा कर दो यार, 11 12 13 तीन क्वेश्चन हमने यहाँ डाल दिए हैं, इन तीनों के जवाब आपको एक साथ देने हैं, और तीनों जवाब के लिए समय सीमा निर्धारित है आपके पास मैक्सिमम 2 मिनट, 2 मिनट्स में तीनों, तो पहला तो आपका थ्रेड कर, चलो जल्दी 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 फास्ट बताओ, तब तक कुछ और क्वेश्चन हम कॉपी मार देते हैं, 13 हो गए, 14 से 16 भी छोटे छोटे क्वेश्चन है, तीनों तीनों एक ही पेज पे हो जाएंगे, 14 15 एंड 16, लो बेटा ये भी हमने कर लिया आपका, ये भी एक पेज पे हो गया आपका, नेक्स्ट, और ये भी तीनों एक साथ हो जाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, देखो कितने छोटे क्वेश्चन, इससे एक नंबर वाले तो इतने आसान आते हैं ना यार कि कोई दिक्कत ही नहीं, दो नंबर के भी ऐसे ही आते हैं, सबसे कम समय अगर दो नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी सब्जेक्ट में लगता है तो उस सब्जेक्ट का नाम है पीडी और आईपीसी। आईपीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स होते हैं, लेकिन अगर आपको आता है तो इसके न्यूमेरिकल्स बिल्कुल समझ नहीं लेंगे, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये बोनस होते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं क्लियर है तो भैया राधे राधे, करते रहो हिलेगा ही नहीं क्वेश्चन, कितना भी कर लो वो क्वेश्चन आप हिला ही नहीं पाओगे।
चलो भाई खटाखट खटाखट बताओ क्या आ रहा है। तीनों का एक साथ जानना है बेटा, तीनों का एक साथ जानना है, तीनों एक साथ बताएं आंसर। चलो भाई हमने 24 वन मार्क्स थे, 24 के 24 कर दिए। अब बताओ भाई किसका आंसर आया किसका नहीं आया। BAD। ओके देखते हैं बेटा आपका जवाब सही है या गलत है। वेट, तो पहला लिखा है सिलिंड्रिकल स्टोरेज टैंक कैन हैव अ सेल्फ सपोर्टिंग कॉनिकल रूफ। तो इसके लिए स्टोरेज टैंक बहुत डिटेल में आपको पढ़ाना पड़ेगा, तो फिलहाल अभी आप डायरेक्टली देख सकते हो इसका जवाब क्या है, बी। दैट मीन्स अगर आपका डायामीटर 50 मीटर से ज्यादा होता है तो उसके ऊपर आप सेल्फ सपोर्टिंग कॉनिकल रूफ को रख सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा आसानी से वो रख सकते हो। फॉर ए सॉलिड प्रोसेसिंग प्लांट डिलीवर्ड इक्विपमेंट कॉस्ट इज 10 लाख यूजिंग लैंग मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। तो बेटा इस समय चारों में से कोई ऑप्शन भी हो सकता है करेक्ट ना हो, ध्यान रखना आज के डेट के अकॉर्डिंग से निकालोगे। और ये सॉलिड प्रोसेसिंग प्लांट है ना, सॉलिड प्रोसेसिंग। और क्या पूछ रहा है, टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है, TCI ज्यादा होता था तो कैसे हमने आपको याद कराया था, याद आ रहा है आपको, सॉलिड सॉलिड फ्लूड एंड फ्लूड। और कैसे याद कराया था, 4, 4.7, फिर यहाँ पे आपको लिखना था 5 और यहाँ 6, फिर यहाँ 5 और 5 में से क्या, तो 4.3, ये तरीका हमने याद कराया था। तो सॉलिड प्रोसेसिंग प्लांट और ये बड़ा वाला क्या था, ये था TCI, ये था FCI। तो सॉलिड प्रोसेसिंग प्लांट ये आपका हो गया ये 4.7, तो 4.7 × 10 दैट मीन्स 47 लाख इज द राइट आंसर। बोलो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, 12th नंबर क्लियर है सभी को, वेरी नाइस। एंड देन कॉस्ट ऑफ ए ड्रम ड्रायर इज इतना लाख, कॉस्ट ऑफ ए ड्रम ड्रायर डबल द सरफेस एरिया। तो ये सब यार लगवाएंगे नहीं हम, ये सब तो इज्जतदार क्वेश्चन है, आप आसानी से लगा सकते हो, इजी वन, तो इस पे हम टाइम को लॉस नहीं करेंगे। डी इज द राइट आंसर, आपका भी आया होगा, वेरी नाइस, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है कुछ, लेकिन ये दो केस दिया हुआ तो इसे हम सॉल्व करा देते हैं। देखो कह रहा है कॉस्ट ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम ईयर 2000 में एक्स रुपए का था, और कह रहा है आपसे क्या होगा इसका 2010 में अगर कॉस्ट इंडेक्स आपका 2000 और 480 और 520 है। तो यार सीरियस बात है, अगर 480 रख रहे हो इधर, इधर 520 रख रहे हो, आपको 520 वाले में पूछा ना, तो पहले 520 ऊपर रख दो और 480 नीचे रख दो, और उधर क्या लिख दो कि 2010 की कीमत बटा 2008 की कीमत। तो ये देखो एक ही लाइन में सॉल्व हो गया, 520 बटा 480 एक्स का नहीं खत्म। डायरेक्ट कॉस्ट कंपोनेंट ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल कंसिस्ट ऑफ, तो ये सारे आपके थ्योरिकल पार्ट हैं, इसको जब टोटल आपको थ्योरी पढ़ाएंगे तभी आप इसे समझ पाओगे, अगर नहीं पढ़े हो थ्योरी तो आप सीधे जान लो। ऑनलाइन ऑन साइट एंड ऑफ साइट कॉस्ट, ये सारे आपके डायरेक्ट कॉस्ट कंपोनेंट होते हैं फिक्स्ड कैपिटल के। ए सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट मेड एट इक्वल पीरियड इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं, इक्वल पीरियड टाइम इंटरवल, दिस इज नोन एज एन्यूटी। अगर यही आपको इंडेफिनिट टाइम कह देता तो परप्यूटी हो जाती। तो 16 का सी इज द राइट आंसर, वेरी नाइस। नेक्स्ट द प्रोजेक्ट 10 लाख रुपए आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है, एनुअल प्रॉफिट 1.5 लाख है, प्रोजेक्ट लाइफ 10 ईयर है। तो कह रहा है सिंपल रेट ऑफ रिटर्न, देखो सिंपल रेट ऑफ रिटर्न हमने क्या कहता है, बाय डिफॉल्ट सिंपल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड अपॉन नीचे क्या लिखते हो, टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाई 100। तो भैया प्रॉफिट कितना है, टैक्स वैक्स कुछ दिया ही नहीं, तो सीधी बात है बिफोर टैक्स है तो टैक्स रेट की आपकी जरूरत है नहीं। तो 10 लाख रुपए है एनुअल प्रॉफिट, 1.5 लाख साफ साफ लिख दिया, 1.5 लाख है। तो प्रोजेक्ट लाइफ की ऐसी तैसी हमको कोई मतलब ही नहीं है। और टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना है आपका, ये है आपका 10 लाख, ये लो ये सीधे आ गया आपका कितना, 15% इज द राइट आंसर, कहानी खत्म। ये परफोरेटेड प्लेट हैज होल्स, ये तो हमने आपको बताया था लिगामेंट एफिशिएंसी के बारे में, ठीक है। तो ईच होल इतना पासिंग थ्रू इट परफोरेटेड प्लेट हर्लो डैमेज द आयरन पिच पीएच, मतलब केवल ये लिखा, मतलब इज्जतदार तरीके से वो होल आपके आपस में रीअरेंज है, ठीक है, इज्जतदार तरीके से। तो क्या हो जाएगा इसका, सिंपली से कैसे निकालोगे आप, ABCD कौन सा करेक्ट है इसमें, तो भाई व्हिच वन इज करेक्ट, सी इज द राइट आंसर। Is it clear to all of you? That is PT minus D बटा PT. PT minus D बटा ये PH क्या है, यहाँ PH को पिच कहा है, तो PH minus D बटा PH. The end of a cylindrical vessel can be closed by a head which can be one of the four same thickness के लिए सबसे ज्यादा प्रेशर को कौन झेल सकता है इसमें से, जैसा कि हमने बताया था स्ट्रॉन्गेस्ट हेमिस्फेयर का। नेक्स्ट ये देखो पे बैक पीरियड पूछ रहा है, 100 लाख रुपए लगे इन्वेस्टमेंट में और 2 साल उसको कंस्ट्रक्शन टाइम, 2 साल लगा
और 20 लाख रुपए का उसने प्रॉफिट बनाया, एनुअल प्रॉफिट। तो भैया आपको कंस्ट्रक्शन पीरियड की ऐसी तैसी मतलब ही नहीं है, 100/20 = 5 इज द राइट आंसर। फॉर अ टाइपिकल प्रोजेक्ट द क्यूमुलेटिव कैश फ्लो इज जीरो। क्यूमुलेटिव कैश फ्लो जीरो कब होता है? आपने क्या देखा था, स्टार्टिंग में भी जीरो नहीं होता है, फिर ऐसे बढ़ता है, एक समय ऐसा आता है एट द स्टार्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है, उस समय तो आपका कोई कैश फ्लो का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि स्टार्ट जब आपने तो ऐसे नहीं जाता है, एक्चुअली स्टार्ट में ही आपका ये ऐसे आ जाता है, मतलब कुछ फिक्स आपने लैंड वैंड खरीद लिया, उसका पैसा लग गया, फिर ऐसे नीचे गए और फिर ये आपने प्रॉफिट कमाना स्टार्ट किया। अभी यहाँ पे पैसा कमाना स्टार्ट किया, प्रॉफिट नहीं है। अब आपका जब पैसा पूरा निकल गया, पे बैक, वॉट इज दिस, दिस इज योर पे बैक, जब आपका ये अर्न होने लगा तो ये वाला पीरियड क्या था, दिस इज योर पे बैक पीरियड, और ये आपका प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो भाई क्यूमुलेटिव कैश फ्लो जीरो कब होता है? ब्रेक इवन पॉइंट पे, जब आपका टोटल जो आपका परचेज है मतलब जो आप कमाए और जो पैसा लगा दोनों बराबर हो जाता है। फिर कह रहा है इन ए मैन्युफैक्चरिंग स्टडी इंडस्ट्री ब्रेक इवन पॉइंट ऑकर्स व्हेन। तो भैया ब्रेक इवन पॉइंट कब होता है? व्हेन टोटल एनुअल प्रोडक्ट कॉस्ट इक्वल्स द टोटल एनुअल सेल्स। कॉमन सेंस, बी इज द राइट आंसर। हैस्ट अलॉय सी इज अ गुड मेटल ऑफ कंस्ट्रक्शन इन केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री। हैस्ट अलॉय सी एक अच्छा मेटल है कंस्ट्रक्शन के लिए प्रोसेस इंडस्ट्री में, क्यों? बिकॉज ये हाईली कोरोजन रेजिस्टिव होता है और रेडली फैब्रिकेटेड होता है। तो हमने आपको बताया था जल्दी जल्दी में, जो हमने रिवाइज में मटेरियल्स के बारे में बताया था, हमने बताया था हैस्ट अलॉय वगैरह ये सब आपके आपके क्या होते हैं, ये आपके किसके किसका अलॉय है, याद है आपको? हैस्ट अलॉय किसका अलॉय है, बोलो 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 जरा, हैस्ट अलॉय किसका अलॉय है? कॉपर का अलॉय था या निकिल का, किसका था ये मेन अलॉय? हैस्ट अलॉय किसका अलॉय था? अभी हमने बताया था, देखिए किसको याद है आप में से, जरा फटाफट बताओ भाई किसको याद है, किसको याद है आप में से, फास्ट फास्ट, किसी को नहीं याद है? अरे पन्ना पलट के देखो जरा क्या लिखा है, किसका अलॉय था, जल्दी लिखो फास्ट, निकल का। तो निकल के बारे में हमने आपको क्या बताया था कि निकल आपको ऑक्सीडेशन वगैरह कोरोजन वगैरह से रक्षा करता है, तो यही आपका क्या हो गया, हाईली कोरोजन रेजिस्टिव होता है हैस्ट अलॉय। ठीक है, एंड 24th नंबर, फॉर अ सिलिंड्रिकल इंटरनली प्रेशराइज्ड वेसल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजर टाइप्स वुड विदिन हाईएस्ट प्रेशर। लो भैया वही कहानी हो गई कि हाईएस्ट प्रेशर पे आपका इसमें से कौन बैठा रह सकता है, तो अगेन आंसर इज सेम, दैट इज हेमिस्फेरिकल। तो चलो एक नंबर के क्वेश्चन खत्म हो गए, बोलो मजा आया एक नंबर में, एक नंबर के सारे क्वेश्चंस क्लियर, आगे बढ़ सकते हैं, कैन वी प्रोसीड, जल्दी 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 बताओ बेटा आगे बढ़े हम लोग। चलो भाई, तो जिसने सेशन लाइक नहीं किया है कटाकट लाइक मार देना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि हमें भी पता चलता रहे कि हाँ आप इंजॉय कर रहे हो, समझ आ रहा है। ठीक है, तो लाइक कर दो खटाखट निकल के बाहर, तब तक हम आपके कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे डालते हैं खटाखट। अभी तो आधे घंटे बचे हुए हैं सेशन के, तो आधे घंटे में लगभग हमने पहला वाला सेशन निपटा लिया, 35 मिनट अभी आपके और बचे हुए हैं सेशन के, 35 मिनट्स और हैं, तो 35 मिनट्स में हम लोग दो नंबर के क्वेश्चन भी देख लेंगे, यानी कि ढेर सारे। चलो भाई आओ 2 मार्क्स क्वेश्चन पे आ जाए खटाखट। चलो, तो ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा साइड से है, स्नेल्स लॉ के से रिलेटेड है, थोड़ा सा सेम टू सेम वैसा ही है, तो ये जनरली आपके डायरेक्ट उस तरह से जल्दी जल्दी नहीं बताया जा सकता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अभी हम स्किप करेंगे, बिकॉज अगर उसी में हम 10 मिनट आपको समझाते रह जाएंगे, आप पूछोगे सर ये कैसे हो गया, वो एंगल कैसे हो गया, ये लॉ क्या होता है, तो सर स्नेल्स लॉ क्या होता है, तो हो जाएगा वो लंबा टाइम। तो ऐसे क्वेश्चन जनरली आपके आते नहीं है गेट में, वो कभी कभार ऐसे उल्टे पुल्टे क्वेश्चन आपके दे देता है। ठीक है, चलो भाई, तो आओ आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, इसका राइट आंसर क्या है जानते हो? ये प्रॉब्लम सिमिलर है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से। ठीक है, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से, और जब उसे आप लगाओगे तो डी इज द राइट आंसर, डी आपका आ जाता है आंसर, दैट इज साइन थीटा एस वी एल बाई वी एस। ठीक है, तो चलो यहाँ पे आ जाओ, पीडी के कोर्स क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो क्या कह रहा है आपका, वो मैथमेटिकल में भी आता है, मैथमेटिक्स में आ जाता है वो। ये देखो, इन द ईयर 2005 द कॉस्ट ऑफ सेलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर 68 मीटर स्क्वायर, और फिर कह रहा है इतने लाख का था, फिर कह रहा है इंडेक्स 2005 का इतना था, अभी इंडेक्स इतना है, नाउ इंडेक्स इज इतना, कह रहा है इंडेक्स 0.6 का मतलब क्या है, कैपेसिटी स्केलिंग के लिए। अब हमेशा 0.6 ही नहीं होता है, किसी किसी इक्विपमेंट के लिए 0.55 भी होता है, तो आपको अगर एग्जाम में 0.5 लिख दिया, 0.55 लिख दिया, तो उसके अकॉर्डिंग यूज करना, आप अपना 6/10 मतलब लगा देना। फिलहाल यहाँ कह दिया 0.6 के अकॉर्डिंग है, बाय डिफॉल्ट नहीं दिया होता तब भी हम 6/10 ही मानते। तो फिर आप प्रेजेंट कॉस्ट बताइए कितना होगा सिमिलर हीट एक्सचेंजर, लेकिन 100 मीटर स्क्वायर एरिया, तो क्या करोगे, दो पार्ट में कर लोगे, तो पहला कुछ भी कर लो, कॉस्ट इंडेक्स वाला आसान होता है, तो पहले कॉस्ट इंडेक्स वाला कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा अभी का नाउ प्राइस बराबर, अभी का प्राइस बॉटम में होता है तो अभी प्राइस इधर भेज दें, वो क्या है आपका 12.6 लाख,
और कॉस्ट इंडेक्स क्या है 9, तो 9 अभी क्या है 575.4, तो इसे सॉल्व करो जरा 9, अभी बताओ क्या है 9, 68 मीटर स्क्वायर वाले की कीमत, इसे सॉल्व करके जल्दी बताओ कितना आ रहा है, फास्ट जल्दी 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 बताओ, जल्दी बताओ, क्विक 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 फास्ट, वो क्वेश्चन भी आसान था लेकिन चूंकि आपका पीडीएस रिलेटेड नहीं था इसलिए उसको हमने खटाक से आगे बढ़ गए, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना आ रहा है आपका 17.938, और अब क्या करोगे इस 17.938, ये अभी आपका जो प्राइस है ये क्या है, ये 68 मीटर स्क्वायर वाले का है, तो यार हमें 100 वाले का निकालना है कि 100 में कितना होता, तो यहाँ 100 वाले का प्राइस, प्राइस 100 वाले का, तो प्राइस 100 क्या होगा बटा अगले वाले का कितना था, तो अगले वाले का 17.938 था और मल्टीप्लाइड बाय प्राइस 100 वाले का, तो यहाँ आप 100 वाले का लिख लो और उसका एरिया कितना है आपका पुराना वाला 68 है और पॉइंट सिक्स ऊपर डाल दो, आफ्टर सॉल्विंग देखो जरा क्या आ रहा है, एबीसीडी एबीसीडी एबीसीडी, ये आपका आ जाएगा ए, ए इज द राइट आंसर, दैट मींस 17.94। अच्छा ये टोटल आपने बताया था, लग रहा है टोटल सॉल्व करके बताया था 17.94, ये आपका आएगा 15. नहीं ये सॉल्व करने देखो क्या आ रहा है, जो भी यहाँ पे आएगा मान लो एक्स आया तो एक्स ही वैल्यू पुट कर दो, 7.94 ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये फर्नेस इंस्टॉल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 24 लाख रुपीज, एक फर्नेस है 24 लाख रुपए पे उसे इंस्टॉल किया गया है, यानी कि ओरिजिनल कॉस्ट क्या हो गया 24 लाख, और यूजफुल लाइफ आपकी कितनी दी हुई है 5 ईयर, तो यूजफुल लाइफ इज 5 ईयर, सॉल्वेंस वैल्यू ऑफ द फर्नेस इज 8 लाख, सॉल्वेंस वैल्यू क्या दी हुई है आपकी फर्नेस की, ये दी हुई है आपकी 8 लाख, इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है 8%, तो कह रहा है इसका कैपिटलाइज कॉस्ट बताइए, इंटरेस्ट रेट क्या है आपका, दिस इज 8%, तो कैपिटलाइज कॉस्ट तो आपको पता है कितना पैसा दें प्लस आप वो भी वापस भी आने वाला पैसा चाहिए हमें इंटरेस्ट के रूप में, तो ये तो आपको अभी भी हमने कराया याद ही होगा कि आपका क्या था ओरिजिनल कॉस्ट, इसको आप उस समय सीवी से डिनोट कर रहे थे, तो ओरिजिनल कॉस्ट प्लस रिप्लेसमेंट कॉस्ट अपॉन, ये तो हमेशा आपको पता है कि 1+IPN पहले आता है माइनस 1 उसके बाद आता है, हर एक केस में आपको ये देखा गया था, ठीक है। तो CR अपॉन ये फॉर्मूला लगाओगे, और जैसे फॉर्मूला लगाओगे आपका आंसर आपके सामने होगा, तो भाई साहब CV ये है, CV आपके पास यहाँ ये डिसीज और CV 24 लाख, और V नॉट में से VS को घटा दोगे तो CR कितना आ जाएगा 16 लाख, आई आपका है 0.08, यन आपका है यूजफुल लाइफ 5 ईयर, तो इसे सॉल्व करोगे आफ्टर सॉल्विंग ये आपको मिल जाएगा 58.09 लाख, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर, इट इज द राइट आंसर, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट पे आ जाओ, एक मिनट को नेक्स्ट डालते हैं यहाँ पे, जस्ट वेट। चलो नेक्स्ट में ये दोनों क्वेश्चन लगाइए आप लोग खटाखट। इसके तो लग रहा है पूरे ही क्वेश्चन लग जाएंगे यार एक ही घंटे में, इसके 50 के ऊपर क्वेश्चन तो लगने ही चाहिए। चलो इसे सॉल्व करें आप लोग जल्दी से, 28 नंबर, जल्दी 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 बताओ भाई, फास्ट क्विक, जल्दी खत्म कर लेंगे तो एक सेशन और लग जाएगा आपका, आप कह रहे हो तो चलो भाई एमओ भी कंप्लीट करा ही देते हैं। चलो भाई 32 तक आ गए हैं, तो पहले 32 तक सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर से कॉपी मार लिया जाएगा। तो ये जवाब आया क्या आपका, क्या बात भाई सबने निकाल लिया 16454, 28 वाले का बता रहे हो, या बिल्कुल सही, एक बॉन्ड है जिसकी ये माइनॉरिटी नहीं है मैच्योरिटी वैल्यू है, ठीक है, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है आपकी
20,000 रुपए एट द एंड ऑफ 4 ईयर, तो कह रहे इंटरेस्ट अगर 5% है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना लगाना पड़ेगा। तो भाई क्या है ये आपका डिस्काउंट है, उल्टा आना इनिशियल पे आना, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, एफ वन प्लस आई के पावर में माइनस एन हो जाएगा। तो ये फ्यूचर में आपको 20,000 रुपए मिल रहे हैं और इंटरेस्ट रेट आपका 0.05 है और ये 4 साल में आपको मिल रहा है। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 16454.13। वेरी नाइस। नेक्स्ट क्या है, टोटल कॉस्ट सीटी ऑफ एन इक्विपमेंट इन टर्म्स ऑफ द ऑपरेटिंग वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ सीटी। आपको याद है सीटी की वैल्यू हमने निकालना आपको सिखाया था, ये कैसे निकालोगे बोलो भाई। तो इसमें सीधी सी बात है यार, सबसे पहले क्या करोगे, इसे सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ देखो खटाखट टाइम बचा लो, ये आप निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा इस वाले से बराबर जीरो रखने पे, ये इक्वेशन आपका बनेगा एक्स स्क्वायर वाई बराबर 6000। ठीक है, और जब यही चीज आप डेल है, डेल का मतलब बाकी सबको कांस्टेंट मान के करोगे, यानी कि डेल सीटी बाय डेल एक्स में ये वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, वाई का डिफरेंशिएशन डेल एक्स डेल बाय डेल एक्स दैट इज ये जीरो हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, और इससे डेल सीटी बाय आप जब डेल वाई निकालोगे और जीरो रखोगे तो इससे आपको एक इक्वेशन मिलेगा एक्स वाई स्क्वायर दैट बिकम्स इक्वल टू 12000। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, जब सॉल्व करोगे तो आप पा जाओगे एक्स 14.42 और वाई आप पा जाओगे 28.84, और फिर एक्स और वाई की वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, पुट कर दोगे तो आपको सीटी मिल जाएगा ऑप्टिमम सीटी ऑफ 91.53। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो नेक्स्ट आते हैं, 30 नंबर देख लो। ये 30 नंबर थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, कहो तो इसे लगवा दें, कहो तो स्किप कर दें, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा, इसके लिए पहले आपको सब कुछ बनाना पड़ेगा। बोलो लगवा दें, ये जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, सॉल्व किया जाए इसे 30 नंबर। तो क्या कह रहा है, ए वर्टिकल कॉनिकल सिलेंड्रिकल टैंक, एक आपका वर्टिकल सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका एक फ्लैट रूफ है। ठीक है, रूफ इज फ्लैट, ओके, सिलेंड्रिकल टैंक रूफ इज फ्लैट एंड बॉटम टू बी कंस्ट्रक्टेड फॉर स्टोरिंग 150 मीटर क्यूब ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल एंड फैब्रिकेशन फॉर द टैंक इज रुपीज इतना पर मीटर स्क्वायर। देखो पर मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, दिस इज गिवन इन पर मीटर स्क्वायर। कर देते हैं, चलो कर देते हैं, एक बच्चा यस सर कर रहा है, एक बच्चा स्किप कर देते हैं। एंड द सेम फॉर द रूफ, रूफ के लिए भी आपका यही कीमत है, सेम यही चीज आपके रूफ के लिए भी है और वॉल के लिए भी है। टैंक बॉटम आर 2000 एंड रुपीज 4000 पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, टैंक का बॉटम जो है आपका 2000 रुपए, और ये दो बार क्यों लिखा है, कुछ एरर रह गया यहाँ पे। अच्छा, ये टैंक का टैंक बॉटम टॉप एंड बॉटम, टैंक टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम आर 2000 एंड 4000 पर मीटर स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। द कॉस्ट ऑफ एसेसरीज पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट्स कैन बी टेकन एज 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द वॉल। 10% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द टैंक नीड्स टू बी केप्ट फ्री एज वेपर स्पेस अबव द लिक्विड स्टोरेज, व्हाट इज द ऑप्टिमम डायमीटर ऑफ फॉर द टैंक। तो इसके लिए क्या करना होता है, हमें पहले हमें एक कॉस्ट का एक छोटा सा फॉर्मूला तैयार करना होगा, इक्वेशन तैयार करना होगा, फिर उस इक्वेशन में जो भी डाया के टर्म्स होंगे उस डाया के लिए उसे सॉल्व कर लेंगे, आपको ऑप्टिमम डायमीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे होगा देखो बता देते हैं आपको, सी है यहाँ देखो इस पेज पे देखो, ये आपका टैंक, दिस इज योर टैंक, दिस इज योर टैंक। ठीक है, और इस टैंक में आपका माल पूरा अंदर भरा हुआ है और ये आपका क्या है, 10% फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस फॉर वेपर। ठीक है, और अगर आपने इस टैंक का डाया सपोज करो डी मान लिया है, अगर आपने इस टैंक का डाया क्या मान लिया, डी, कैपिटल डी। ठीक है, तो अगर ये कैपिटल डी है आपका इसका डाया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बाकी आपको टॉप और बॉटम के बारे में बता दिया ना, टॉप और बॉटम तो सेम टू सेम है, तो यहाँ पे क्या रहा है, कॉस्ट आपका कुछ 2000 रुपए पर मीटर स्क्वायर है, और बॉटम का कॉस्ट आपसे कह रहा है क्या है, ये कुछ आपका 4000 रुपए पर मीटर स्क्वायर है, और ये साइड जो आपका कर्व सरफेस है, कॉस्ट ऑफ वॉल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ वॉल, कॉस्ट ऑफ वॉल ये आपको गिवन है क्वेश्चन में कितना दिया, 6000 रुपए पर मीटर स्क्वायर यहाँ पैसा आपको लग रहा है। ठीक है, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कुछ 150 मीटर क्यूब की है। ठीक है, मतलब इतना ही वॉल्यूम 150 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर दस मतलब 90% जो आपका 90% वॉल्यूम है, 90% जो वॉल्यूम है ये आपका 150 मीटर क्यूब यानी कि आना चाहिए। ठीक है, और कह रहा है कि इसके आगे जो भी कॉस्ट ऑफ पाइपिंग या इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह का जो भी खर्चा लग रहा है, तो पाइपिंग वगैरह का खर्चा क्या है, पाइपिंग के खर्चे आपको बता रहा है 10% ऑफ वॉल कॉस्ट, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो सारे डेटास को हमने यहाँ लिख दिया, सारे डेटास को आपने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो वीटी क्या है, अगर हम मानते हैं वीटी इज टोटल वॉल्यूम ऑफ टैंक, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना होगा,
हमारे इस टैंक का टोटल वॉल्यूम कितना होगा, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस टैंक। भाई सीधी सी बात है, आपका ये 150 मीटर क्यूब और साथ में जो आपका ऊपर वेपर का स्पेस है, तो वेपर का स्पेस क्या है आपसे कह रहा है, पूरे का 10%। तो अगर ये 150 है तो पूरे का 10% कितना होता है यार, सीधी सी बात है, इसमें तो निकालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर आपका 150 जो है 90% है, तो जिस क्वांटिटी का 150 90% है, उस क्वांटिटी का 10% कितना होगा, आफ्टर सॉल्विंग कितना मिल जाएगा, 9 से 9 = 9 और 6 0 6 0 6 6 7, यानी कि 16.67। तो लो भैया हमने टोटल वॉल्यूम तो निकाल लिया यहाँ पे कि 166.67 मीटर क्यूब है, एक काम तो हो गया। अब टोटल वॉल्यूम को अगर डाया के टर्म्स में हम लोग लिखना चाहते हैं, तो डाया के टर्म्स में टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सीधी बात है पाई डी स्क्वायर एल, यही तो होता है पाई बाई 4 d² l। तो पाई बाई 4 एंड डाया ऑफ टैंक टी स्क्वायर इंटू एल एंड दैट बिकम्स इक्वल टू 166.67। ये इसके बराबर होना ही होना है, इसके बराबर होना ही होना है, सीधी सी बात है यार, ठीक है। तो फिलहाल इसके इक्वेशन को हम लोग यहीं छोड़ देते हैं, इसे हम लोग यहीं छोड़ देते हैं अभी फिलहाल के लिए, थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं। सपोज करो सी टी हमारा इसका टोटल कॉस्ट है, अगर सी टी टोटल कॉस्ट इसके फेब्रिकेशन का, तो इस टोटल कॉस्ट में क्या क्या आएगा, सीधी सी बात है कॉस्ट आपका आएगा रूफ का, इसके छत का क्या कॉस्ट है, फिर आपका बॉटम का कॉस्ट आएगा कि इसके बॉटम का क्या कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ बॉटम, फिर आपका वॉल का भी कॉस्ट आएगा, कॉस्ट ऑफ वॉल, फिर आपका कॉस्ट आएगा पाइपिंग वगैरह का भी, कॉस्ट ऑफ पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो अभी सारे कॉस्ट के बारे में देख लेते हैं। तो रूफ, रूफ का सरफेस एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर या फिर पाई बाय 4 d², और रूफ पर मीटर स्क्वायर 2000 लग रहा था, तो मल्टीप्लाइड बाय 2000, ये काम हो गया। प्लस कॉस्ट ऑफ बॉटम, बॉटम का कॉस्ट कितना है भाई साहब, फिर वही कहानी पाई बाय 4 d² और मल्टीप्लाइड बाय 4000। कॉस्ट ऑफ वॉल कितना है, तो वॉल कैसे निकालोगे, तो वॉल की बात सीधी है, टोटल सरफेस एरिया वॉल का कैसे निकालोगे, यहाँ देख लो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, सीरियस बात है 2 πr l, ये तो आएगा 2 πr l, या कह सकते हो πd l, ये dl दो पैरामीटर आ गया ना, इसके लिए ही वाला इक्वेशन था। यहाँ से आप l को निकाल के रख सकते हो 166.67 इंटू 4 upon πd² इस तरह से, ठीक है। जब इसे सॉल्व करोगे तो जो भी आएगा, वट एवर द आंसर इज, तो l की वे जो भी वैल्यू यहाँ आएगी, अब यहाँ देखो तो ये क्या हो जाएगा πd l। तो πd l का क्या मतलब है, पाई और डी और एल की जगह क्या लिख दे, 166.67 मल्टीप्लाइड बाई 4 upon πd², ठीक है। कॉस्ट ऑफ वॉल भी हो गया आपका, और पाइपिंग का क्या है 10% ऑफ कॉस्ट वॉल, यानी कि इसी में 10% ऐड करना है। तो क्यों दोबारा इतना लंबा चौड़ा लिखोगे यार, दोबारा इतना लंबा चौड़ा क्यों लिखोगे, 10% ऐड करना है ना, सेम टू सेम चीज, तो इतना मल्टीप्लाइड बाई 1.1 कर लो, ठीक है। ये आपको हो गया सी टी। अब आपका जो यहाँ इक्वेशन बन के तैयार होगा ना, ये सब कटेगा पिटेगा, और काट पिट के इक्वेशन आप तैयार करोगे डी के फॉर्म में, तो ये आपका आ जाएगा सी टी इक्वल्स टू 4712.6 d² + 4400 एंड 90 upon d, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप डेल सी टी बाई डेल डी निकालोगे और इसको जीरो रख दोगे, इस तरह आप डी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लोगे, डी आपका आ जाएगा कितना, और 7 जी आपका आ जाएगा यहाँ 7, कितना है आंसर में लिखा जाए 7.8 मीटर, ठीक है। तो भैया ऐसे क्वेश्चन अगर गेट में आते हैं तो एक बात ध्यान रखना, एकदम लास्ट के लिए छोड़ने का नहीं, लास्ट के लिए रखने का, क्योंकि शुरुआत में लगाओगे देख सकते हो कैलकुलेशन सब बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो ऐसे जो लंबे कैलकुलेशन वाले होंगे, बहुत लंबे, उनपे आप मार्क फॉर रिव्यू करके लास्ट के लिए छोड़ देना, लास्ट में जब समय बचेगा फिर उनको आप अटेम्प्ट करना, इत्मीनान करो, ठीक है, स्टार्ट में, ठीक है। इसलिए हम ऐसे कह रहे थे कि इसे स्किप करने का है। नेक्स्ट हमारे देखो ये, द कॉस्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट प्रोसेस वेरिएबल्स F1 F2 अफेक्ट्स द टोटल कॉस्ट CT। ये तो लगा दिए यार, ये तो लगाए हैं ना कि नहीं लगाए, नहीं लगाए हैं CT, और इसके अकॉर्डिंग तो कह रहा है द लोवेस्ट कैपिटल कॉस्ट CT का मिनिमम वैल्यू बताए, CT क्या आपकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो भाई ये तो वही कहानी है ना जैसे आपने पीछे निकाला था, तो भाई क्या करोगे, पहले आप यहाँ पे डेल CT बाई डेल F1 निकाल लोगे और इक्वल्स टू जीरो पुट कर दोगे। जब आप इसे इक्वल्स टू जीरो पुट करोगे तो आपका एक इक्वेशन बन के आएगा 1000 = 100 F1² × F2। फिर आप क्या करोगे, डेल सीटी बाई डेल F2 निकाल लोगे और इसको इक्वल टू जीरो पुट कर दोगे। जब इसे जीरो पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे F1 = 1000 upon F2³, ठीक है। अब इसमें से F1 की वैल्यू उठा के यहाँ पुट करोगे और ये सब F2 में आ जाएगा। इस तरह से F2 आप निकाल लोगे, F2 आपका आ जाएगा 2.29 और आफ्टर F2 F1 निकाल लोगे, ये आपका आ जाएगा 2.08। ये F1 F2 की वैल्यू को इसमें जाके पुट कर दोगे, वही सिमिलर क्वेश्चन, ये आपका आ जाएगा 572.8। तो ऐसा क्वेश्चन तो अभी जस्ट हमने लगाया है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्या इसे लगा के दिखा सकते हो? बोलो भाई। ए प्रपोज्ड केमिकल प्लांट इज एस्टिमेटेड टू हैव अ फिक्स्ड कैपिटल ऑफ 24 करोड़। इसने फिक्स कैपिटल दिया है 24 करोड़ का, ठीक है। आराम से जब बड़े क्वेश्चन होते हैं ना डेटा वाले, हम क्वेश्चन के डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उस क्वेश्चन को कोशिश करते हैं दोबारा पढ़ना ही ना पड़े, क्योंकि आपको पता है गेट में आपके 65 क्वेश्चंस होते हैं। अगर 65 क्वेश्चंस को आप दो बार पढ़ोगे तो जो दोबारा पढ़ोगे उसमें 30 मिनट आपके चले जाते हैं दोबारा क्वेश्चन केवल पढ़ने में। तो अगर आप एक बार क्वेश्चन को केवल पढ़ के डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लेते हो तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इससे आप गेट में टाइम बचा पाओगे, ठीक है। तो फिक्स कैपिटल क्या है आपका 24 करोड़। एज्यूमिंग अदर कॉस्ट टू बी स्मॉल, कह रहा है अदर कॉस्ट आप मान लो यार कि बहुत स्मॉल है। टोटल इन्वेस्टमेंट मे बी टेकन टू बी सेम एज फिक्स कॉस्ट, मतलब ये कह रहा है फिक्स कॉस्ट ही यार टोटल इन्वेस्टमेंट है, तो वर्किंग कैपिटल भाई साहब ने जीरो कह दिया। दिस इज योर टोटल इन्वेस्टमेंट, दिस इज टोटल इन्वेस्टमेंट। कह रहा है आफ्टर कमिंसनिंग, मतलब जब स्टार्टअप हो गया टी बराबर जीरो ईयर पे, तो मिल रहा है एनुअल प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि पीबीटी, पीबीटी इज 10 करोड़ पर ईयर एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, एट द एंड ऑफ ईच ईयर, मतलब इसको जब आप एनपीवी में ले आना होगा तो एनपीवी में लाने के लिए इसको बैक लाना पड़ेगा पहले साल वाले को भी, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है आपसे, एंड द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द प्लांट इज 10 इयर्स, प्लांट की एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है 10 ईयर। टैक्स रेट इज 40% पर ईयर, आई टैक्स इज गिवन एज 0.4 एंड द लीनियर डेप्रिसिएशन अलाउड एट 10% पर ईयर। लीनियर डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड को कहते हैं। तो स्ट्रेट लाइन यानी कि 10% पर ईयर, यानी कि कह सकते हो जो एफ स्ट्रेट लाइन का दिया है, एफ स्ट्रेट डेप्रिसिएशन का दिया है, वो दिया हुआ है 10% पर ईयर, मतलब 0.1। ओके, कॉमन सेंस से 0.1 ही आएगा यार, जब 10 साल है। अगर ये नहीं भी कहता कि 10% पर ईयर है तब भी हम समझ जाते, अगर कहता कि लीनियर डेप्रिसिएशन इज अलाउड तो भैया 1/n कर देते, समझ लेते कितना 1/10.1। कह रहे थे ऑलवेज वैल्यू इज 0, VS is 0, annual interest rate is 12%, कह रहा है annual interest rate जो है आपका वो है 12%, 5.12, कह रहा है NPV of the project in crores of rupees, ले भैया NPV पूछ दिया, है किसी में दम, कोई लगा के दिखा दो, मजा आ जाए भाई साहब, आप लगा सकते हो, अभी अभी हमने पढ़ाया है, जस्ट हमने पढ़ाया है, कैश फ्लो आप निकाल सकते हो इसका, आप कैश फ्लो निकाल सकते हो इसका, और 10 साल का मामला है भाई साहब। जब 10 साल का मामला होता है तो 1/1 भी कैलकुलेट कर सकते हो और उस पूरे को एक फॉर्मूले में भी लेके कर सकते हो एज ए एन्यूटी। भाई हर साल अगर आपका सेम टू सेम है ना कैश फ्लो 10 करोड़ पर ईयर, हाँ कैसे सॉल्व करोगे इसे, लगा सकते हो कि हम लगा दें, ये बताओ, हमको हमसे लगवाना चाहते हो तो आर लिख दो, आप लगाना चाहते हो तो बोलो, तो 2 मिनट दे दें यार। चलो इस क्वेश्चन के 2 मिनट बनता है आपके लिए, 2 मिनट जी लो अपनी जिंदगी, 2 मिनट के बाद स्टार्ट करते, टाइमर चल रहा है आपका, चलो जल्दी लगाओ, जल्दी जल्दी फास्ट। रघु पहले ही हथियार डाल दिया है, अभी एक मिनट और 43 सेकंड है बच्चा लोग, ट्राई करो, सब कुछ पढ़ाया हुआ है, करना क्या है आपको, डेप्रिसिएशन निकाल लेना, डेप्रिसिएशन निकालने के बाद से आप टैक्सेबल प्रॉफिट निकाल लोगे, टैक्सेबल प्रॉफिट आपका जो भी आएगा उस पर टैक्स दे दोगे, टैक्स देने के बाद से जो भी पैसा बचेगा कैश फ्लो के लिए उसमें डेप्रिसिएशन को जोड़ दोगे, तो यानी कि उतना रुपया पर ईयर आपका आएगा। अब उतने रुपया पर ईयर को आप डिस्काउंटेड कैश फ्लो में लेते आओ, एक को 1 साल पीछे, एक को 2 साल पीछे, एक को 3 साल पीछे, और इस तरह करके आप खत्म कर दो कहानी उसकी, हो गया काम। उसको एज एन्यूटी मान लो कि हर साल एज एन्यूटी दे रहे हैं, तो इसका इतना 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 एन्यूटी देने के बाद, इतना इतना एन्यूटी देने के बाद प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी इसकी, अगर इतना एन्यूटी हम देते हैं 10 साल तक, तो ये आपका लंबा अगर सेम टू सेम होता है कैश फ्लो, तो आप आसानी से सॉल्व कर लेते हो। ये केशु क्या कर रहा है भाई, पहले मैसेज लिखता है फिर डिलीट कर देता है, क्या लिखा था पिछला वाला तो हम देख लेते, स्किप कर दीजिए सर, लेकिन इस बार पता नहीं क्या लिखा, हम देख ही नहीं पाए, क्या लिखे थे भाई, जल्दी 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 फास्ट करो बेटा लोग, बच्चा लोग, योद्धा लोग, परसों बेटा बिल्कुल भी घबराना नहीं, आराम से करना, जो थर्ड ईयर वाले हैं उनको भी कह रहे हैं, अगर कोई देख रहा है फाइनल ईयर को भी, ध्यान रखना गेट ही सब कुछ नहीं होता है, नॉलेज ही अब सब कुछ होता है, गेट नहीं होता है, तो बहुत प्रेशर लेके मत जाना, ठीक है, और बिल्कुल भी डीमोटिवेशन नहीं, आप सब कुछ तैयारी किए हो, अब आपको केवल जाना है, अपना 100% देना है, बस आपको यही कोशिश करनी है, नंबर रैंक इसके बारे में सोचना भी नहीं है, बस आप अपनी एक्यूरेसी जो चीजें जानते हो वो अप्लाई करके आना, वो चीजें नहीं छूटनी चाहिए जो आप जानते हो, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहेंगे। बाकी कल एक मोटिवेशन का क्लास भी होगा लगभग 15 से 20 मिनट का, तो उसको मिस मत करना,
वो क्लास आपको 3-4 घंटे पहले टेलीग्राम पे हम टाइमिंग दे देंगे, वो 15 मिनट मिस मत करना। उसमें आपको ये भी बताएंगे कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको करना क्या, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं, आपका इससे भी बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा जो बातें हम आपको कल 15 मिनट कहेंगे, ठीक है। वो 15 मिनट बिल्कुल मिस मत करना, कल जो हम आने वाले हैं 15 मिनट आपके, तो कल शाम में 15 मिनट के लिए आपके लिए लाइव आएंगे और उसमें बताएंगे पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है हमें और कैसे अपने आप को दिमाग को सेटल रखना है। एग्जाम में जब हम अंगूठा लगाने पहले आते थे, इस समय सिग्नेचर करवाने आ रहे हैं, जो भी जिस लिए भी आ रहे हैं, उस समय अपने आप को कैसे वो करना है, कब पानी पीना है या क्या जो भी चीजें होती हैं एग्जामिनेशन हॉल में। चलो फिलहाल इसे लगाओ यार, कोई लगा पाया तो बता दो यार। क्या बात है केशु, वाह 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 वाह, तालियां, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। 15.3 इज द राइट आंसर, वाह 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 वाह, मजा आ गया भाई साहब, मजा आ गया, मजा आ गया भाई, बहुत अच्छा। जैसे माँ बाप ने खुश हो जाते हैं, बच्चे को चलना सिखाते हैं, बच्चा चल देता है, अरे वाह हम चलाएं हम चलाएं। इसी तरह एक एजुकेटर अगर दिल से आपको पढ़ा रहा है और अगर आप क्वेश्चन लगा देते हो यार, तो उतनी खुशी हमें होती है। अगर हम दिल से पढ़ाते हैं, कोई बच्चा लगा देता है, इतनी खुशी होती है कि आप पूछो ना, मतलब शब्दों में बयां नहीं कर सकते है? नहीं वो सुने नहीं हो, क्या कहते हैं लोग पूछते हैं कि आप क्यों अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करते, हमने कहा जो लफ्जों में बयां हो जाए उतना हम किसी से प्यार नहीं करते। तो भाई साहब यहाँ लफ्जों में बयां नहीं हो सकता कि आपसे कितना प्यार हो जाता है, फिर आप जब जैसे ही लगा के देते हो। जल्दी 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 फास्ट, केशु का हो गया, और बच्चा लोग भी लगा लो यार। चलो जो नहीं लगा पाए डीमोटिवेट मत होना, यहाँ ध्यान दो कितना फास्ट लगा रहे। देखो हमारा काम है नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो हमको देखना हर साल कितना पैसा आ रहा है इनफ्लो, हर साल का इनफ्लो देखना। इनफ्लो कैसे देखोगे, हर साल कितना पा रहे, देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10 करोड़, आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स है पीबीटी 10 करोड़, प्लीज सी टीबीटी इज 10 करोड़, क्या बात है, बिल्कुल वही सेम रहेगा बेटा, और कुछ लेगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो पीबीटी 10 करोड़, और अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है ना, तो पहले प्रॉफिट टैक्सेबल प्रॉफिट तो निकाल लो, तो टैक्सेबल प्रॉफिट कैसे निकालोगे, टैक्सेबल प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, आपका जो भी 10 करोड़ रुपया है हर साल आ रहा है, उसमें से आप डेप्रिसिएशन को घटा दो, और डेप्रिसिएशन 10% है, तो हमारा कितने का है प्रोजेक्ट 24 करोड़, तो 24 करोड़ का 10% कितना हो जाता है 2.4 करोड़, ये क्या है, दिस इज योर डेप्रिसिएशन अमाउंट बेटा, ठीक है। ये आ गया 7.6 करोड़, ये टैक्सेबल प्रॉफिट है, तो अब टैक्स दे दो, तो वो भाई टैक्स दे दिए, तो टैक्स कितना है टैक्सेबल प्रॉफिट का, ये है आपका 40%, तो 0.4 से इसमें मल्टीप्लाई करें, जो भी आया व्हाट एवर द अमाउंट इज। अब आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 7.6, दैट इज योर टैक्सेबल प्रॉफिट, और उस टैक्सेबल प्रॉफिट में से आपने 7.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 टैक्स दे दिया आफ्टर सॉल्विंग, ये आपको मिल जाएगा कुछ 4.56, दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब हमारा कैश फ्लो है क्या पर ईयर का, भाई कैश फ्लो में तो डेप्रिसिएशन भी आ रहा है ना, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन अमाउंट, दिस इज योर कैश फ्लो, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या आपका 4.56 एंड प्लस डेप्रिसिएशन कितना था आपका 2.4 करोड़, ये सॉल्व करोगे ये आपका आ जाएगा 4.26 करोड़। अब आपको निकालना है कि भैया क्या होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू, कोई दिक्कत की बात नहीं है निकाल लो, तो एनपीवी उसके लिए हमको इनफ्लो करना है और आउटफ्लो दोनों घटाना होगा, इनफ्लो आउटफ्लो, तो भाई डिस्काउंटेड कैश फ्लो हमारा ये इतना पैसा आ रहा है बार बार 10 साल तक आ रहा है, ये पैसा भाई साहब 10 साल तक आ रहा है हमारा, ये पैसा आपका 10 साल तक आ रहा है, तो भाई 10 साल तक आ रहा है, तो आप देखोगे ना उस 10 साल के पैसे का प्रेजेंट वैल्यू क्या है, मतलब एक तो एन्युटी होगी ना, एन्युटी भी तो ऐसी थी हर साल के लास्ट में आप देते थे, तो भैया एन्युटी की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, कैसे निकलती है, पी इक्वल्स टू एन्युटी एंड 1 + i^n - 1 एंड डिवाइडेड बाई, ये p है तो यहाँ i के साथ 1 + i^n भी आएगा यार, तो एन्युटी कितनी दे रहे हो 6.96 करोड़ आपको हर ईयर मिल रहा है, एंड 1 + कितना पैसा आपको मिलता है 0.12 12%, तो 1 2 n - 1 एंड अपॉन 0.12, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं यार, 0.12 के पावर में यहाँ क्या आ जाएगा, n की वैल्यू दी हुई है ना यार, कितना दिया है देखो 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 देखो, 10 ईयर, तो यहाँ 10 लिख दिया, इसे सॉल्व करोगे तो आपका ये p आ जाएगा 39.32 करोड़, ठीक है। तो आपका जो भी इनफ्लो था उसका प्रेजेंट वैल्यू हो गया बेटा, और आपका एनपीवी क्या होता है, व्हाट इज एनपीवी, इनफ्लो का प्रेजेंट माइनस जो आपने पैसा पास से निकाल दिया था उसका प्रेजेंट, तो इसे सब्ट्रैक्ट करोगे आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग, वी विल गेट 15.32 करोड़, दिस इज योर आंसर, फाइनल आंसर। आसान था कि नहीं बोलो, ये करके अच्छा लगा, क्या बात, कॉन्फिडेंस आया, यही तो चाहिए यार, यही चाहिए, ठीक है, इसीलिए हमने आपको समय दिया था। चलो एक मिनट रुक जाओ, कुछ और क्वेश्चंस मार दें यार, कॉपी,
हमने आपको क्या बताया, जो भी हमने रिवीजन कराया, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को रिवीजन कराया, और अब आपके एक भी क्वेश्चन नहीं पसंद। देखो हम 1-2 करके आ रहे हैं, 1-2 करके 32 तक पहुंच गए, एक भी नहीं फंसा भाई साहब, एक भी नहीं फंसा। तो एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ फंसने वाला नहीं है, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसने वाला। चलो इन दो, इसे को लगाओ खटाखट, इसे लगाओ। 3 क्वेश्चन है, तीनों को लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो सेम टू सेम है उसको छोड़ देना, जो सेम टू सेम है उसे छोड़ देना, ठीक है। तो चलो भाई देखते हैं इसमें सेम टू सेम कौन सा है, उसे हम लोग छोड़ देंगे, उसे नहीं देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कैश फ्लो, इंटरेस्ट, प्रेजेंट वर्थ ऑफ सच कैश फ्लो। ये तो यार वही चीज है, डिक्टो देखो ना क्या है, कैश फ्लो इतना पर ईयर इज रिसीव्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो आपको सिंपली यह ए दे दिया है, ठीक है, और 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स, ये आपका एन दे दिया है। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9, तो ये आपका आई दे दिया 0.09। कंपाउंडेड एनुअली प्रेजेंट वर्थ यानी कि पी पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी ऑफ सच कैश फ्लो एट टाइम 0। तो आपको पी हमेशा 0 पे ही ना आता है यार, तो बहुत ज्यादा दिक्कत की बात थोड़ी ना, सीधे लगाओगे पी बराबर ए, ए आपका 12,000 है, और 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आई मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस आई टू द पावर एन, कितना यार एन टू 7 है 7। एक इक्वेशन, एक अननोन, आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट 60395, यानी कि डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, पॉलीमर प्लांट विद अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 10,000 टन्स पर ईयर हैज एन ओवरऑल यील्ड ऑफ 70% ऑन मास बेसिस, किलोग्राम ऑफ प्रोडक्ट पर केजी ऑफ रॉ मटेरियल, द रॉ मटेरियल कॉस्ट 50,000 पर टन, ए प्रोसेस मॉडिफिकेशन इज प्रपोज्ड टू इंक्रीज द ओवरऑल यील्ड टू 75% विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 12.5 करोड़ एक्स्ट्रा, इन हाउ मेनी ईयर्स कैन द इन्वेस्टमेंट अमाउंट बी रिकवर्ड विद द एडिशनल प्रॉफिट, कह रहा है कितने साल में एडिशनल प्रॉफिट के साथ ये पैसा हमारा वापस आ जाएगा। तो भाई ये तो क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, तो इस क्वेश्चन को हम चाहेंगे कि आप करो ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो, और ये इसके अगला वाला लगाने की जरूरत ही नहीं, अगला वाला वही है मिक्सचर वाला, स्केलिंग वाला, दोनों रूल, स्केलिंग प्लस वो कॉस्ट इंडेक्स वाला, ठीक है। तो ये लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी, 34 नंबर लगाओ, खटाखट लगाओ, उसके हम लोग 36 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। केशु 34 करवा रहे हैं, आप पहले लगाओ, तो अगर आप नहीं लगा पाओगे तो 34 करवा देंगे, ऐसी क्या बात है, आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी बताओ भाई फास्ट, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, 72 क्वेश्चंस हैं टोटल। दस हजार टन पर ईयर है, ओवरऑल रेट 70% है, ध्यान रखना प्रोडक्शन कैपेसिटी है, तो प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर 10,000 बनानी है और 70% यील्ड है, तो रॉ मटेरियल 10,000 नहीं लेगा, 10,000 से ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो 10,000 से ज्यादा लग रहा है, तो देख लो कितने पैसे का पहले माल लग रहा था, और फिर अगले वाले केस में देख लो कि हमारा कितना रॉ मटेरियल कम खरीदना पड़ रहा है, और कम खरीदना अगर पड़ रहा है तो हमारा कितना ज्यादा बन रहा है प्रोडक्ट, और उसके अकॉर्डिंग फिर देख लो कि 12.5 करोड़ आप कितने साल में वापस प्राप्त कर पाओगे। अजय का सी आ रहा है, बाकी लोग भी लगाओ भाई खटाखट लगाओ। जल्दी सॉल्व करिए,
लगाओ 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 लगाओ, लग जाएगा। भाई पहले क्या करोगे, नंबर ऑफ इयर्स आप मान लो, यन टोटल प्रोडक्ट आपका कितना हो जाएगा, 10,000 yen। रॉ मटेरियल यूज कितना हो जाएगा, 10,000 yen डिवाइडेड बाय 0.7। टोटल कॉस्ट रॉ मटेरियल का मल्टीप्लाइड बाय 50,000। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो टोटल आपका आ रहा है, इसमें से नेक्स्ट वाले का टोटल को सब्सट्रैक्ट करने पे 12.5 करोड़ रुपए आपको वापस मिलना चाहिए। एक इक्वेशन एक अननोन आपका निकल जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ येन हियर? ध्यान दो, यहाँ पे हमने मान लिया, हमने मान लिया कि यहाँ पे आपका टोटल जो इयर्स की संख्या है, लेट नंबर ऑफ इयर्स बी एन, नंबर ऑफ इयर्स बी इक्वल्स टू एन। और क्या कह रहा है कि कितने साल में, हाउ मेनी इयर्स, तो हमने येन मान लिया, येन में वापस आ रहा है। अब हमारा ये जो पैसा वापस आ रहा है, कैसे वापस आ रहा है भाई, हमें रॉ मटेरियल कम खरीदना पड़ेगा। तो हम क्या करें, रॉ मटेरियल की अभी की कीमत, अभी जो खरीद रहे हैं, माइनस बाद में जब हमको ये 12.5 करोड़ रुपये मिल रहा है, फायदा हो रहा है, इतने यील्ड के साथ हमें रॉ मटेरियल कितने का खरीदना पड़ता है। तो अभी की यील्ड वाले पैसे में से अगर ये वाले पैसे को घटा दें, तो सीधे से बात है 12.5 करोड़ रुपये हमारा आना चाहिए। तो ये कितने समय में ये हमारा वापस बैक मिल जाएगा, ये तो पूछ रहा है ना। तो भाई क्या करोगे, बहुत आसान सा काम है भाई। नंबर ऑफ इयर्स अगर आपने येन मान लिया, तो सीधी सी बात है, एक बात बताओ, टोटल प्रोडक्ट आप कितना बनाने वाले हो, आप इतने साल में टोटल प्रोडक्ट कितना बनाने वाले हो। सीधी सी बात है, हम बनाने वाले हैं प्रोडक्ट 10,000 × येन। और इतने के लिए आपको टोटल पैसा कितना खर्चा करना पड़ेगा, कॉस्ट रॉ मटेरियल का, इसके लिए आपको रॉ मटेरियल कितना देना पड़ेगा। चूंकि यील्ड आपके पहले वाले केस में दी है 0.7, तो आपका क्या हो जाएगा, 10,000 येन, ये जो टोटल पैसा है ये कितना है, 70%। तो इसका 100%, मतलब 100% क्या होगा, तो क्या होगा, 0.7 से आप डिवाइड कर दोगे बाय इनटू 100 बाय 70। रॉ मटेरियल का आपका आ गया, अभी का खर्चा है 10,000 येन बाय 0.7, ये रॉ मटेरियल का इतना लग रहा है, इतना रॉ मटेरियल लग रहा है। और रॉ मटेरियल अभी कितने का, 50 रुपए पर टन है, तो मल्टीप्लाइड बाय 50,000, इतना रुपया रॉ मटेरियल का अभी आपने खर्चा किया। और सेकेंड केस में क्या हो रहा है कि सेकेंड केस में आप रॉ मटेरियल का पैसा कुछ इतना खर्च कर रहे हो, डिवाइडेड बाई 75 मल्टीप्लाइड बाई 50,000। बोलो, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये मॉडिफिकेशन के बाद है, ये आपको मॉडिफिकेशन के बाद है कि मॉडिफिकेशन के बाद आप कितना रॉ मटेरियल में पैसा खर्च कर रहे हो। और सीधी सी बात है, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट अगर कर दें, इनको सब्सट्रैक्ट कर दें, और सब्सट्रैक्ट कर क्या करें, 12.5 करोड़, यानी कि 12.5 10 लाख करोड़, यानी कि 10^7 इक्वल रख दो। एक इक्वेशन है एक अननोन है, आफ्टर सॉल्विंग आपको जो येन है वो मिल जाएगा 2.625 ईयर्स, दैट्स इट। बोलो, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फटाफट फटाफट बताओ, सभी को क्लियर है? इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? वही रेंज दिया है, इस साल आपका रेंज दिया हुआ था आंसर का, एंड द रेंज इज गिवन एज 2.55 to 2.7, 2.55 to 2.7। तो 2.52 तो बेटा रेंज में है नहीं केशु, अरे तेजस, तो थोड़ा सा एक्यूरेसी मेंटेन रखोगे, ठीक है। 2.55 से 2.7 ये आपका रेंज था उस साल का आंसर की में, जो गेट के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो ये निकल 2.625, थोड़ा सा एक्यूरेसी मेंटेन रखोगे, ठीक है। ये क्लियर है, देखो केशु का सही आया, ये समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ, पहले जस्ट टेल मी, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? किसी को कोई दिक्कत नहीं, समझ गए, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो। और रघु बेटा, अगर एक बार में नहीं समझ पाए हो, क्वेश्चन बहुत ही आसान था, तो अब इसे इस समय दोबारा मत कहिए लगाने के लिए, क्योंकि फिर आपका आगे का क्वेश्चन मिस हो जाएगा, ठीक है, फिर आपका आगे का मिस हो जाएगा। क्विक रिवीजन है ना बेटा, क्विक रिवीजन का क्या मतलब होता है, क्विक रिवीजन मतलब खटाखट लगाते चलिए, खटाखट लगाते जाइए, ठीक है। तो अभी हम बता दे रहे, बट आगे आप कोई क्वेश्चन अगर नहीं ऐसा आता है, तो आप उसे स्किप ही कर दो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो दोबारा में अभी आपका दिमाग तब कैप्चर नहीं कर पाएगा, अगर एक बार में आप कैप्चर नहीं कर पाए उसे, बिकॉज अब एक ही दिन है ना एग्जाम का। तो इस समय हम अपने आपको डीमोटिवेट नहीं करते, नहीं आया नहीं आया, ठीक है यार, 100 में 100 थोड़ी ना लाना, ये सोच के अपने आपको आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। फिलहाल आपने पूछा है तो बता देते हैं एक बार फिर से, यहाँ ध्यान दो, इसमें कुछ भी नहीं किया बेटा हमने, क्या किया देखो, यहाँ ध्यान दो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, देखो यहाँ देखो, बहुत ही आसान है, वेरी वेरी इजी, सी देखो यहाँ पे, ये क्या कह रहा है आपका, पहले 10,000 टन लग रहा है हर साल,
हमने मान लिया यन ईयर तक ये आंसर अगर यन ईयर है, ठीक है, तो 10,000 गुणे यन इतना हमारा यानी कि टोटल प्रोडक्ट बनेगा। इतने प्रोडक्ट को बनाने के लिए टोटल रॉ मटेरियल कितना लगेगा, मल्टीप्लाइड बाई 100 बाई 70 बाई 70% भाई क्या है, किलोग्राम ऑफ प्रोडक्ट पर किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि एक किलोग्राम रॉ मटेरियल पे प्रोडक्ट बनता है कितना, 0.7, 70% का 0.7, तो 1 kg पे 0.7, 0.7 प्रोडक्ट के लिए 1 kg रॉ मटेरियल चाहिए, तो 1 kg प्रोडक्ट के लिए 1/0.7 चाहिए, तो इतने kg प्रोडक्ट के लिए 10,000 यन के लिए 10,000 यन गुड़े 1/0.7, तो ये आपका अभी का रॉ मटेरियल का कॉस्ट आ गया। क्रॉस निकालना है तो रॉ मटेरियल का मल्टीप्लाइड बाय 50 कर दिए, तो ये 50,000 पर टन है। ये चीज दूसरे केस में 75% यील्ड हो गई है, तो दूसरे वाले केस में आप देख लीजिए रॉ मटेरियल खरीदने में कितना पैसा खर्चा हो रहा है। अब पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा दिए क्योंकि सेकंड वाले में सीधे कम खर्चा हो रहा होगा रॉ मटेरियल में, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट 75% हर एक केजी से पहले 0.7 kg निकल रहा था, अब हर एक केजी से 0.75 kg निकल रहा है, और ऐसा करने पर आपको इन्वेस्टमेंट इतना एडिशनल करना पड़ा, तो भैया इसमें से पुराने वाले पैसे में से नए वाला पैसा घटा के उसको 12.5 करोड़ के बराबर कर दिया और हमने ये निकाल लिया। आई होप इज इट क्लियर। चलो वेरी नाइस। ओके तेजस, थोड़ा सा उसको ध्यान लगाओगे, हाँ जीरो लगाने, थोड़ा एग्जाम में एक्यूरेसी मेंटेन रखना बेटा, ठीक है, गलती मत करना ऐसे केसेस में। अब ये देखो, ये दो क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, दोनों ही ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ठीक है, दोनों ही ऑप्टिमाइजेशन, तो इस तो हम आपको पूरा कराएंगे बिकॉज सारे ही क्वेश्चन हमने लगभग डिस्कस कर लिए इसमें। अब एक ऑप्टिमाइजेशन वाला और अगर हम आपको इक्वेशन बनाने सिखा दें तो आई होप कि ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आप आसानी से लगा लोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को चलो हम आपको लगवाते हैं, हम लगा रहे हैं, तो आप मत लगाओ, टाइम वेस्ट होगा दो बार में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पर ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 36 पहले देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, तो इसमें कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर, हमें केवल बनाना है अपना वो ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन का वो इक्वेशन। कैसे बना रहे हैं ध्यान दो, कहां पे गलती करता है बच्चा वो हम आपको बताते हैं। देखो कह रहा है ये प्लांट, आराम से, ये प्लांट मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चर्स कंप्रेसर्स एट द रेट ऑफ एन यूनिट्स पर डे, ये क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़े जाते हैं, ठीक है यार, एन यूनिट पर डे बना रहा है, डेली फिक्स चार्ज आर इतना, ये डेली फिक्स चार्ज है, ठीक है, और लास्ट में पूछ रहा है द नंबर ऑफ कंप्रेसर्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज डेली प्रॉफिट, तो यानी कि ये चीज डेली में है लास्ट वाला, और ये भी डेली में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आगे कह रहा है आपसे कि वेरिएबल कॉस्ट पर कंप्रेसर, ये पर कंप्रेसर वेरिएबल कॉस्ट दिया है, यानी कि यन कंप्रेसर होगा तो मल्टीप्लाइड बाई यन हमको करना पड़ेगा, ये कॉमन सेंस, देखो यही बच्चा यहाँ छोड़ देता है, ये पर कंप्रेसर वेरिएबल कॉस्ट है, तो पर कंप्रेसर वेरिएबल कॉस्ट इज 500 प्लस 0.2 इंटू यन टू द पावर 1.3। अब सेलिंग प्राइस है 1000, तो 1000 तो आपका एक कंप्रेसर का है ना, सेलिंग प्राइस पर कंप्रेसर, आपने अगर यन कंप्रेसर बनाने हैं तो 1000 यन करोगे आप टोटल कॉस्ट के लिए। अब कह रहा है इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज डेली प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का क्या मतलब, टोटल पैसा कितना लगा बनाने में माइनस सेल हमने कितने में किया माइनस पैसा कितना लगा, तो टोटल सेल और पैसा वाला पहले हम लोग निकाल लें, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा भाई, यहाँ सेलिंग कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे अपना सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे, हाउ टू कैलकुलेट सेलिंग प्राइस, सेल करके आपने कितना प्राप्त किया, सेल करके आपने यहाँ पे कितना प्राप्त किया कैसे निकालोगे, तो भाई सीधी सी बात है 1000, एक कंप्रेसर हमने मान लिया यन कंप्रेसर हो रहा है, तो 1000 गुणे यन, दिस इज योर सेलिंग प्राइस। अब आपका कॉस्ट क्या पड़ रहा है, ये डेली का है बेटा, ये दोनों ही आपके डेली के, कॉस्ट डेली का कितना हो रहा है यन कंप्रेसर बनाने के लिए, तो डेली का फिक्स चार्ज 20,000 रुपया लगना ही लगना है, कोई हटा ही नहीं सकता भाई साहब, ये 20,000 रुपया लगना ही लगना है, ठीक है। देन सेकेंड कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है आपका 500 प्लस 0.2 यन टू द पावर 1.3, तो ये एक कंप्रेसर का वेरिएबल कॉस्ट है, हमने यन कंप्रेसर बनाया है तो मल्टीप्लाइड बाय यन, अब करोगे क्या इस सेलिंग प्राइस में से इस कॉस्ट को घटाओगे और यही आपका एक फंक्शन बनके तैयार हो जाएगा टोटल प्रॉफिट का, टोटल प्रॉफिट का, और ये टोटल प्रॉफिट का क्या आएगा आपका फंक्शन देख लेते हैं यहाँ पे, तो 1000 यन माइनस 20,000 माइनस 500 प्लस 0.2 यन टू द पावर 1.3 और बाहर आपका आ गया यन। बोलो ये क्लियर सभी को, अब कुछ नहीं करना है आपको, मैक्सिमम प्रॉफिट करना है आपको, निकालना है मैक्सिमम प्रॉफिट, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इसी को आप कर लो, ये आप डेल टीपी बाई डेल एन निकाल लो इसका, और इसे निकालने के बाद एक बार जीरो पुट कर दो और आपका ये मैक्सिमम आ रहा है कि नहीं, आप एग्जाम में उसे चेक करने की जनरल रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं क्योंकि आपका एक बार का ही क्वेश्चन देता है, तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली ये वाला निगेटिव आएगा, निगेटिव का क्या मतलब होता है कि जो भी आपकी वैल्यू पी मिली है उस पर यह चीज आपकी मैक्स आएगी, तो इसे सॉल्व करके आप वहां से टीपी की वैल्यू निकाल लो, यहां से आपकी टीपी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, टीपी नहीं यन की वैल्यू पूछा है ना, तो इसे सॉल्व करोगे और यन की वैल्यू निकाल लोगे, यन की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी 216.544 आएगा, जिसे आप अप्रॉक्स में कह सकते हो कि 217,
लेकिन अगर एग्जाम में पूछ रहा है अप टू सम डेसिमल तो नहीं लिखोगे, डेसिमल में लिखोगे, लेकिन यहाँ कह दिया नियरेस्ट इंटीजर, तो नियरेस्ट इंटीजर क्या है 217 इज द राइट आंसर। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर? तो ऐसे आपको बनाने होते हैं फंक्शंस। अब सेकंड वाले में भी आपको ऐसे ही हम फंक्शन बनवा देते हैं, सेकंड केस में फंक्शन बनवा देते हैं, फिर सॉल्व आप कर सकते हो। यहाँ ध्यान दो, ऑप्टिमाइजेशन में केवल आपका यही है, ये इक्वेशन आपने लिख लिया ना उसके बाद कुछ है ही नहीं, बस ये इक्वेशन लिखना आना चाहिए, और ये पर वाला ही आपको खराब करता है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, कह रहा है एक बैच रिएक्टर, उसको कलर चेंज कर लेते हैं तो मैशअप हो जाएगा ब्लैक ब्लैक। टोटल बैच टाइम ऑफ द रिएक्टर इज इतना, वेयर पीबी इज द प्रोडक्ट पर बैच इन केजी एंड के बराबर 1 h बाई स्क्वायर रूट ऑफ केजी, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द रिएक्टर इज 200 बाई एस, टोटल एनुअल फिक्स्ड चार्जेस आर 340 इंटू पीवी, एनुअल रॉ मटेरियल कॉस्ट इज 2 × 10⁶, ऑप्टिमम साइज ऑफ ईच बैच, दैट्स इट। तो इसमें भी देखो कुछ है, सब कुछ तो आपको दिया हुआ है, एवरीथिंग इज देयर। आपको करना क्या है, आपको केवल करना है टी का वो इक्वेशन बनाना है, और इसमें टी का इक्वेशन जानते हो क्या आएगा, इसमें आपका आएगा 2 × 10⁶ प्लस 340 पी बी प्लस के इंटू 2 × 10⁷ अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पी बी। तो बोलो ये बना के दिखा दें कि सॉल्व कर लोगे, कोई करवाना चाहता है हमसे, बनवाना चाहता है तो बताओ भाई, अदरवाइज आगे बढ़ जाए, एक आध क्वेश्चन और देख लिया जाए। बोलो 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 जल्दी बोलो बोलो भाई, हो जाएगा, आगे बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, सारे लग जाएंगे आपके, ये कर लोगे आप लोग, बताओ भाई जल्दी बताओ भाई, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर बता दीजिए, सब क्वेश्चन बता दीजिए सर, चलो भाई ठीक है बता देते हैं। कोई क्वेश्चन तो सर लगा लेंगे, बड़ा क्वेश्चन देख के डर जाते हो यार, और कोई बात नहीं, डरा नहीं जाता है, ठीक है? या बहुत इजी है बेटा, देखो यहाँ क्या कह रहा है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ें, डेटा को एक्सट्रैक्ट करें, कह रहा है रुको इसी पेज पे बता देते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखो यहाँ ध्यान दो, कह रहा है ए बैच रिएक्टर प्रोड्यूसेस 1 × 10⁵ किलोग्राम ऑफ प्रोडक्ट पर ईयर, ठीक है? तो यहाँ पे जो आपका बन रहा है प्रोडक्ट, प्रोडक्शन की कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी ध्यान से देखो आराम से, प्रोडक्शन की कैपेसिटी कितनी है, व्हाट इज द प्रोडक्शन कैपेसिटी वैल्यू, इट इज 10⁵ केजी, 1 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 10⁵ केजी, ओके, पर ईयर, और ये पर ईयर दिया है, ठीक है, ओके। अब आगे क्या कह रहा है, द टोटल बैच टाइम ऑफ द रिएक्टर इज इतना, वेयर पीबी इज द प्रोडक्ट पर बैच, पीबी एक बैच में प्रोडक्ट की संख्या है, तो टोटल बैच टाइम इतना लग रहा है, ठीक है, यहां लिख दो यार टोटल बैच टाइम, टोटल बैच टाइम, और टोटल बैच टाइम क्या है, के स्क्वायर रूट ऑफ पीबी, मतलब देखो डेटा हम खाली एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, खाली हम डेटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि अगर टोटल बैच टाइम इतना है और पीबी आपका है क्या, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, पीबी इज द प्रोडक्ट पर बैच, कितने आपके एक बैच में प्रोडक्ट है, समझ रहे हो? तो यहां से कैसे निकालोगे आप टोटल टाइम ऑफ प्रोडक्शन, भाई एक बैच में इतना टाइम लग रहा है, टोटल बैच टाइम इतना है आपका, एक बैच में इतना टाइम, और प्रोडक्शन की कैपेसिटी आपको 10⁵ केजी चाहिए। एक आवर हो गया, चलो ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद हम लोग इसे बंद करके फिर थोड़ी देर बाद एमओ पढ़ते हैं, ठीक है? तो बोलो भाई बोलो बोलो जल्दी बोलो, नंबर ऑफ बैचेस कितने लगाने पड़ेंगे हमको, बोलो इसके लिए नंबर ऑफ बैचेस कितने लगेंगे, ये के की वैल्यू आपको दिया हुआ है, दिस इज योर के, तो 1 h बाई स्क्वायर रूट ऑफ केजी, ठीक है, आया किसी का, कैसे लगाएंगे, बस आपको टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लेना है, एक साल में कितना टोटल कॉस्ट लगने वाला है, कि उस एक साल के उस टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में आप ऐड कर दोगे टोटल एनुअल फिक्स चार्जेस, एनुअल है ये भी, तो ये 340 × पीवी आ जाएगा, और साथ में आप उसी में ऐड कर दोगे रॉ मटेरियल का टोटल कॉस्ट, दैट इज 2 × 10⁶, यानी कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट ओके है, तैयार है, रेडीमेड है, एनुअल फिक्स चार्ज भी रेडीमेड है, केवल रेडीमेड क्या नहीं है, हमें एक चीज क्या चाहिए, टोटल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इन वन ईयर, हमारा एक साल में ऑपरेशन का कॉस्ट कितना पड़ रहा है, ठीक है,
क्योंकि आपको दे रहा है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट जो है वो 200 रुपए पर आवर है। तो अगर हम ये किसी तरह निकालें कि कितने आवर तक आपने काम किया है एक साल में, तो मल्टीप्लाइड बाय 200 करके आप निकाल ले जाओगे। समझ रहे हो ना? कोशिश करो, कोशिश करो, आसानी से लगा लोगे। खटाखट लगाओ, हमने सारे हिंट आपको दे दिए भाई। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे निकलेगा, पहले आप निकाल लो कि भाई टोटल टाइम कितना है। जब टाइम ऑफ प्रोडक्शन आप निकाल लोगे, तो टाइम ऑफ प्रोडक्शन को निकालने के जस्ट बाद आप 200 से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकाल लोगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या, तीनों कॉस्ट को जोड़ दो, आपका ऑप्टिमम साइज निकाल लोगे फिर उसको डिफरेंशिएट करके। चलो लास्ट एक मिनट और है आपके पास मैक्स, इसके बाद से सेशन को हम लोग एंड कर देंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। एक मिनट का समय आई होप लगा लोगे आप लोग। K की वैल्यू के फॉर्म में आप चाहो तो इसे लिख सकते हो, K इज 1 आवर पर केजी प्रोडक्ट, 1 ये H के H इज आवर पर केजी ऑफ प्रोडक्ट, इसे लिख सकते हो आप। और टोटल बैच टाइम कैन बी रिटन एज 1 आवर पर स्क्वायर रूट ऑफ केजी ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय पीबी। आपको इसे आवर में कन्वर्ट करना है, यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू आवर। जल्दी बोलो भाई। भाई पहले नंबर ऑफ बैचेस निकाल लो और नंबर ऑफ बैचेस को टोटल बैच टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। छोटी सी बात है यार, वेरी गुड अजय। चलो एक बच्चे का हुआ तो हम आगे बढ़ जाते हैं यार। भाई सबसे पहला काम क्या करोगे यार, आप पहले निकाल लो कि नंबर ऑफ बैचेस कितने हैं और मल्टीप्लाइड बाय टोटल बैच टाइम। तो मैं नंबर ऑफ बैचेस कैसे निकालोगे, एक बैच में प्रोडक्ट की अगर संख्या को आप टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी से डिवाइड कर दो, आपको नंबर ऑफ बैचेस नहीं मिल जाएंगे। छोटी सी तो ये बात है आपको पकड़नी है यार। नंबर ऑफ बैचेस, डीमोटिवेट मत होना, आप एग्जाम में कर ले जाओगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। आप सीख रहे हो ना, इसीलिए तो यहाँ बैठे हुए हो। तो नंबर ऑफ बैचेस इज व्हाट, 10^5 है टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी, और एक बैच में अगर पीबी बना रहे हैं तो दिस इज योर नंबर ऑफ बैचेस, दिस इज योर नंबर ऑफ बैचेस। अब इसी में अगर पूछ दें व्हाट इज द टोटल बैच टाइम इतना है, अगर टोटल एक बैच का इतना टाइम है तो टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम कितना है, तो सीधी सी बात है। अब ये 10^5 बाई पीबी जो आप यहाँ देख रहे हो, इसमें क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे के इंटू रूट ऑफ पीबी। बोलो कोई दिक्कत है किसी को, यही तो है यार, और क्या है हमारा, यही तो है डिट्टो, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो रूट पीबी कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया 10^5, और के की वैल्यू तो आपको न्यूमेरिकल 1 दिया हुआ, यूनिट वगैरह इसलिए लिखा है केजी एच, तो सब आपका आवर केजी में, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये आ जाएगा 10^5 बाई रूट ऑफ पीबी, तो ये टोटल आपका टाइम हो गया। और टाइम के बाद क्या रहा है कि 200 रुपया पर घंटा लग रहा है, तो कुल पैसा कितना लग जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 200, ये क्या है टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट, तो ये आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट हो गया ये, और प्लस ये। अब देखो टोटल कॉस्ट का क्या बनेगा, टोटल कॉस्ट का आपका बनेगा 340 इंटू पीबी प्लस रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना है 2 × 10^6 प्लस ये जो आपने निकाला है ऑपरेटिंग कॉस्ट। लो सारे कॉस्ट तो हो गए यार, सारे कॉस्ट तो हो गए, ठीक है। अब इसे क्या कर लो, डेल टीसी बाय डेल पीबी बराबर 0 रख के सॉल्व कर लो, यू विल गेट पीबी बिकम्स इक्वल टू 952.83, दैट्स इट। बोलो आसान है, इजी, वेरी गुड टीचर्स, वेरी नाइस, फैंटास्टिक भाई। तो इसमें देखो केवल एक ही बात थी बेटा, क्या थी वो, केवल एक बात ये थी कि ये बैच कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ बैचेस, तो कॉमन सेंस यही आप नहीं क्लिक कर पाए थे। तो देखो ऐसे केसेस में, ऐसे क्वेश्चन में बस आराम से इत्मीनान से सोचो, घबराओ नहीं ज्यादा डेटा देख के, बहुत आराम से कितना भी डेटा हो आसानी से लगा लोगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे इस सेशन को हम लोग एंड करते हैं। आई होप आप सबने इस सेशन को बहुत एंजॉय किया होगा, और लाइक करना बिल्कुल मत करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर करना अपने जूनियर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल मत भूलना। और फिर मिलते हैं आपसे, चलो अभी 10 बज रहे हैं, लगभग 10:15 भी नहीं हुआ है, तो ऐसा करते हैं आपसे
एक छोटा सा सेशन लगा लेंगे, उसमें केवल हम इम्पोर्टेंट फार्मूलाज वगैरह के बारे में डिस्कस कर लेंगे जो एमओ में आपको याद रखने हैं, कि कुछ फार्मूलाज हैं जो अगर आपको याद है तो आसानी से आप कर ले जाओगे, तो उन फार्मूलाज की एक लिस्ट आपको भी बनवा देंगे और फिर उसका खटाक से कुछ क्वेश्चन हम उसी सेशन में लगवा देंगे, एक ही सेशन में, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग विदा लेते हैं, आपसे मिलते हैं वापस से, क्या टाइम रख दें, 10:08 हो रहा है, चलो हम खाना खा के डिनर कर लेते हैं, हम 10:30 पे आपसे मिलते हैं, 10:30 से लगभग 12 डेढ़ घंटे के आसपास का सेशन होगा, सारे उसमें फॉर्मूलाज हम लोग डिस्कस कर लेंगे और कुछ पीवाईक्यूज, ठीक है, चलो चलते हैं, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। रितेश कल का इवनिंग में जो हमारा मोटिवेशन वाला होगा वो लगभग कह सकते हो कि 5 बजे के आसपास आएगा, उसके लिए टेलीग्राम पे एक्टिव रहना, टेलीग्राम में टाइमिंग आपको 2 बजे के आसपास, 2-3 घंटे पहले आपको टेलीग्राम पे हम टाइम डाल देंगे, ठीक है, चलिए चलते हैं, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू और मिलते हैं आपसे, कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लूज मत करना, फुल्ली कॉन्फिडेंट रहना, आप अच्छा करके दिखाओगे, ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट वंस अगेन।